पनीर रोस्ट कर रही हूँ, पनीर रोस्ट हो रहा है। इधर हमारा पिज्जा बन चुका है। के पापा आए नहीं है, वो आएंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग की शुरुआत आज बहुत धमाकेदार है क्योंकि आज बना रही हूँ मैं होममेड पिज्जा। तो पिज्जा के लिए मैं फटाफट क्या तैयारी करके रखी हूँ आपको चलो दिखाती हूँ। और यहाँ पे वीर बैठा है, वीर की स्पेशली डिमांड है, मम्मी आज हॉलीडे है तो आप पिज्जा बनाओ। मैं बोली चलो ठीक है पिज्जा बना देती हूँ। रोज दाल चावल रोटी भाजी खा खा के उग गए हैं, मैं थोड़ा कुछ अलग हटके बना देती हूँ। तो इसलिए आपको चलो दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या प्रिपरेशन करके रखी हूँ। पनीर रोस्ट कर रही हूँ, पनीर रोस्ट हो रहा है। यहाँ पे शिमला मिर्च है, ये प्याज है, अभी इसको भी थोड़ा ब्राउनीज भूजूंगी। और यहाँ पे बेस है, और यहाँ पे मम्मी के लिए भाजी रोटी बन रहा है क्योंकि वो नहीं खाती हैं, इसलिए उनके लिए मेथी की भाजी है, रोटी है, ये पिज्जा सॉस है, पिज्जा सॉस है। तो अभी तक का तो यही काम है। और यहाँ पे टीवी में सीरियल चालू है, मम्मी बैठी हुई है, आवाज़ कम नहीं है इसलिए टीवी का आवाज़ आ रहा है। मम्मी बोल रही कम कर दूँ, अभी चलो थोड़ा अभी चलती फटाफट प्रिपरेशन करती हूँ, फिर फटाक दे रेडी करके बनाना चालू कर देती हूँ। बाल भी जाना है, थोड़ा बाल बहुत गंदा हो गया है। चलो इधर हमारा पिज्जा बन चुका है, देख सकते हैं इतना अच्छा कैसे बना लेती हो आप। हाथ से, हाथ से कैसे इतना अच्छा बना सकते हैं। तो ये है, वो है, ये है सब, ये वो ये वो नहीं है, सब सामान है। जाओ लेके बैठ के खाओ, मजा एक ही बना दू, एक और बनाओ। आपको टेस्ट बताते हैं। और सिम्बा देख के क्या कर रहा है, सिम्बा यहीं बैठ के देख रहा है कि मुझे भी मिलेगा नहीं से मुड़ी। पूरा ये फीलिंग्स बढ़े हुए हैं। आपको दिक्कत हो कि क्या क्या है, प्याज है, पनीर है, कैप्सिकम है, मसाले से वो तो मुझे नहीं मालूम, इतने सारे अच्छे अच्छे चीजें हैं। वापस आ गया, देखो कहाँ गिरा, देखो पूरा लग गया है। कैसे गिरे पहले बताओगे, स्लिप मार दिया चप्पल। तो क्रॉक्स नहीं पहन के गए थे, जा हाथ पैर धो अच्छे से फ्रेश हो। ट्यूशन गए थे, ट्यूशन से लगता रास्ते में गिर गए होंगे, वापस आए हैं कपड़े चेंज करने के लिए। वीर नाश्ता खाना होना खा लिया था, खाने में तो इन्होंने होममेड पिज्जा खाया, एक ही पीस खाया, ज्यादा खाया नहीं क्योंकि मन नहीं कर रहा होगा, कभी कभार होता है ना मन नहीं करता बनाने के लिए। इसने ही बोला था जल्दी बनाओ मम्मी, अब बनाने के बाद बोलता मम्मी अब नहीं खाऊंगा अब अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे सिम्बा बैठा हुआ है, सिम्बा को भी खाना खिला दिया है हम लोग, अभी बैठा हुआ है, बैठ के देखते हैं इसे क्या करना है, कुछ इसे चाहिए। ए सोना चुनू, के पापा आए नहीं है, वो आएंगे तो फिर उनको भी खाना दूंगी। गर्मा गर्म पिज्जा भी है, रोटी भाजी भी बनाई हूँ, मम्मी के लिए रोटी भाजी बनाई थी तो उसी में से रोटी भाजी और पिज्जा दोनों है पड़ा। अभी जो आएंगे जो उनका मन करेगा वो खा लेंगे, एक बेस रहेगा तो शाम को समीर को भी दे दूंगी बना के पिज्जा गर्म गर्म। अभी तक का तो यही अपडेट है, इन्हें भी गर्मा गर्म पिज्जा बना के दे दी हूँ। वीर तो खा के जा चुका था, रेड शिमला मिर्च रहता थोड़ा और अच्छा लगता ना, ना उसका टेस्ट अलग आता है। तो अभी ये खाएंगे, खा के कैसा बना है, अच्छा बनता है और क्या, मत बनना थी अच्छा नहीं, एक बार आप बोले थे खराब बना था इसलिए मैं पूछी कि कैसा, आपको पसंद नहीं आता ना बरूबर जल्दी, तो ठीक बनाइए। तो अपने जान में कोशिश की हूँ कि टेस्टी हो, अभी इसके ऊपर बढ़िया है ना, तो आप खाइए खा के एंजॉय करिए। मैं भी अपने लिए हाफ रखी हूँ क्योंकि हाफ वीर खाया था तो हाफ मैं खा लूंगी, ज्यादा खाने का मन नहीं कर रहा था। तवे पे रखो, इन्होंने बोला तवे पे रख दे, तेरा भी थोड़ा हीट हो जाएगा। ठीक है चलो भी रखते, अच्छा चलो खाते खा के एंजॉय करते। क्यों गर्मा गर्म, देखो गर्मी बहुत हो रही है गाइस, बारिश हो रही है लेकिन गर्मी फिर भी पड़ रही है घर में। चलो फिर खाती हूँ, खा के उनको भी पूछती हूँ कुछ और चाहिए, फिर आगे का काम। गाइस हमने खाना बना दिया है, खाना बनाकर यहाँ पे मम्मी खा रही है और नीचे साईं बाबा का आरती भी चालू हो गया है, वीर नीचे गया है आरती करने के लिए। और मेरा खाना हो के अच्छे से मैं बर्तन धो के, भी कोई खाया नहीं है क्योंकि अभी सब बाहर ही है। वीर गया है, अरे समीर गया है वानखेड़े स्टेडियम, आज वहाँ पे अपने इंडिया की ट्रॉफी आ रही है, इसके वजह से उसका देखने के लिए 2 घंटे का शो है, 3 घंटे का वहाँ पे गया है। मम्मी यहाँ खाना खा रही है, ये खाना खा रही है और टीवी देख रही है, खाना खा रही है टीवी देख रही है। वहाँ कुकर में मैंने चावल और भाजी बना दी हूँ, डन। और नीचे आरती चालू हो गया, आरती चालू है नीचे।
सिम्बा यहाँ बैठा हुआ है, सबका वेट कर रहा है कि सब कब आएंगे, तब थोड़ा मैं एक्साइटेड हो जाऊंगा। तो गाइस हमारा खाना पीना हो गया है, खा पी के हम लोग इस रूम में आए, पर समीर अभी तक आया नहीं है। देखो कब तक आता है, अभी फोन करके उसको चिल्लाए, देखो कब तक, बोला मम्मी आ रहा हूँ, पर अभी तक आया नहीं है। अवीर यहाँ पे आराम कर रहा है क्योंकि कल स्कूल है, उसकी भी तैयारी करनी है। क्या हुआ, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बोलो क्या हुआ, नहीं बोलना, ठीक है। और सिम्बा यहाँ पे बॉटल के पास लेके सोया है, कि बॉटल के पास सोया है सिम्बा, आराम कर रहा है, इसे आराम कर देते हैं। चलो मैं अपने प्लेस पे आती हूँ, करने देते हैं कि सिम्बा को आराम करने देते हैं। बोलो सिम्बा, चलो तुम ही मुझसे बात करो, मेरा बाबू मुझसे बात करेगा, क्या बातें करना मुझसे, क्या बातें करना है आपको, नौटंकी नहीं करनी है बेटा, हमें बातें करनी है, ठीक है। बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, कि बात करने के लिए बहुत, चले गए तुम भी मुंह फुला के, क्या हुआ, ये भी भाई साहब मुझसे गुस्सा होके चले गए उधर पे, क्या हुआ, अभी समीर को डांटी, इसको भी डांट रही हूँ, सब बोली क्या, बोली बात करने के लिए इसलिए गुस्सा होकर उधर चले गए, पूछ अपना बस हिलाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, बातें नहीं करना इसे ना, बोलता कैमरे में नहीं आऊंगा मम्मी, बाहर बात कर लो लेकिन कैमरे में मत बात। तो फाइनली गाइस समीर यहाँ आ चुका है, बहुत लेट हो चुका है, इसके पापा आए, थोड़ा गुस्सा किए कि इतना रात हो गई तो नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बच्चे लोग हैं थोड़ा घूमना फिरना चाहिए, लेकिन इसके पापा बहुत गुस्सा किए। और समीर कैसा लगा आपको, बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, अच्छा लगा। तो यहाँ पे समीर पुलाव खा रहे हैं, पुलाव खा के आए, थोड़ा अपना देख रहे हैं, टाइम हो गया है 11:15, तो अच्छा लगा सबको देख के लाइव, सामने से सामने देख के लाइव, अच्छा हो गया बहुत दिन, हाँ सोचा कि अब सामने जाके झलक पा लूं, हाँ ठीक है। चलो आप खाना खाओ, खा के चलो फिर आराम करो आप, ठीक है, खा के आराम करो, इसे खाना खाने देते हैं, खा के आराम करेगा, फिर मुझे वीडियो वगैरह थोड़ा दिखा रहा है कि मम्मी ये वीडियो देखो लाइव कैसे है, लोग कहाँ कहाँ ऐसा झंडा फहरा रहे थे, ट्रॉफी दिखा रहे थे बस में से, यहाँ से वहाँ से, तो मैं भी देख लेती हूँ इसके साथ में। आज के लिए इतना ही, ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट बेस्ट ब्लॉग में।